शेयर करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हम काफी सालों के बाद सेवादल का राष्ट्रीय महाधिवेशन और राष्ट्रीय जो रैली है वो राजस्थान में करने का प्लान कर रहे हैं और पूरे राष्ट्र से अलग अलग जो हमारे सेवादल के संगठन के लोग हैं वो यहाँ पे राजस्थान की धरती पे आएंगे और यहाँ से जो गांधी 150 वाला जो साल सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और गांधी विचार जो है गांधी अतीत नहीं भविष्य है वो सोच के साथ गांधी विचार कांग्रेस की विचारधारा और देश की एकता अखंडता के लिए सेवादल जो सालों से काम कर रहा है उसी बातों को लेकर हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर 2 दिवसीय होगा। जगह वगैरह आपको बहुत जल्दी ही बताएंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम लोग देश भर में एक मैसेज देना चाहते हैं कि जब जब चुनाव आता है कुछ ऐसे धोखाधड़ी इस देश के साथ होती है और जिसमें बात होनी चाहिए रोजगार की, बात होनी चाहिए शिक्षा की, बात होनी चाहिए सुरक्षा की या बात होनी चाहिए स्वास्थ्य के मुद्दों की और शुरू हो जाती है भारत पाकिस्तान की, स्मशान कब्रिस्तान की और हिंदू मुसलमान की। तो लोगों को जिस तरीके से भटकाया जाता है चुनाव के दौरान, तो सेवा दल पिछले विधानसभा इलेक्शन के टाइम पे भी एक अहम भूमिका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सिलेक्टेड सीटों पर जो लगातार हारी हुई सीटें थी वहां पर हम लोग कैंपेन कर रहे थे। इस बार सेवा दल देश भर में अपने 2 बड़े कार्यक्रमों के साथ जाने का प्लान कर रहा है जिसमें एक यहाँ पे अधिवेशन के बाद हमारा पूरा एक भारत को जोड़ने के लिए और भारत एक सोच है, भारत एक विचार है, उस विचार के संदर्भ में सेवा दल के साथी जो है वो तिरंगा यात्रा के तौर पे एक बाइक यात्रा देश भर में करेंगे। ये 2 बड़े प्रोग्राम महाधिवेशन उसके बाद ये, तो इसके लिए लेकर हम लोग आज यहाँ पर आयोजन बैठक यहाँ पे रखी थी और ये सबसे ज्यादा हम देश के सामने एक बात को रखना चाहते हैं कि ये देशभक्ति वाला बात बार बार करने वाले लोग, हम लोग कहते हैं कि राष्ट्र विरोधी किसको कहते हैं जो राष्ट्र के झंडे को ना माने, राष्ट्र के संविधान को ना माने और राष्ट्र गीत को ना माने, मैं उसको राष्ट्र विरोधी मानता हूँ और उस मामले में आरएसएस राष्ट्र विरोधी है क्योंकि ये तीनों को नहीं मानता है। क्योंकि किसी भी देश में आप किसी भी देश के नागरिक होने के नाते आप सम्मान करते हैं उस देश के झंडे का, उस देश के राष्ट्रगीत का और देश के संविधान का और हम इन 3 चीजों का पूरा सम्मान करते हुए देश भर में एक मैसेज करना चाहते हैं कि सही में आप देशभक्त हो तो आप सदा वत्सले छोड़िए और वंदे मातरम और जनगणमन और झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो हमारे 3 गाने जो है देश के झंडे के साथ जुड़े हुए, देश के स्वाभिमान के साथ जुड़े हुए, तो गाने गाइए। आप भगवा वहां पे जो लहराते हैं वो बंद करके अपनी शाखाओं में तिरंगा लहराना शुरू करिए। हम देश में हर महीने के अंतिम रविवार में 1000 से ज्यादा जगह पर आज तिरंगा लहराते हैं, जनता के बीच में लहराते हैं और कहते हैं कि देश का तिरंगा हमारा स्वाभिमान है। तो ये जो पूरा बात है और साथ साथ में कहते हैं कि बार बार संविधान को और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की बातें मत करिए, देश के संविधान को और मजबूत करने के लिए आप हमारा साथ दें। तो ये 3 चीजों के चैलेंज के साथ हम देश भर में सेवा दल को, सेवा दल के कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से हम लोग काम में लगने वाले हैं। लोकी व्हाइट टोपी अपने आप में इतनी मजबूत हो रही है कि हमको, हम लोग कहते हैं कि किसी और की लाइन है कम करने, छोटी करने की जरूरत नहीं, अपनी लाइन हम बड़ी खींच रहे हैं और देश भर में पहले सोच रहे थे आज से 1 साल पहले कि सेवा दल है क्या, कहां पर है, सेवा दल दिखता नहीं है। आज हर जगह पे आप देखोगे तो सोशल मीडिया, ट्विटर से लेकर हर जगह पे सेवा दल की जो हैशटैग होते हैं वो ट्रेंड करते हैं क्योंकि सोच के साथ लोग जुड़ रहे हैं। तो सेवा दल देश भर में और खास करके जो यंग ब्रिगेड जो नया हमारा बना है, वो यंग ब्रिगेड बनने के बाद नए लोग बहुत जुड़ रहे हैं, सैल्यूट निकल जाने से, सेवा दल की भूमिका बदलने से और सेवा दल पूरी तरीके से क्रांतिकारी आंदोलनकारी संगठन होने की वजह से हमारी लड़ाई काली टोपी से है ही नहीं, क्योंकि काली टोपी तो अपने आप से ही लड़ रही है, जिसकी सोच में ही गड़बड़ है तो वो गड़बड़ वाली सोच इंटरनल लड़ाई लड़ रही है, हम तो इस देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। सोशल कैडर है कि वो ट्रेडर है वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अगर आप आरएसएस के साथ जुड़े हुए देखोगे और उनके बिजनेस को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो अपने काले कारनामे को छुपाने के लिए लगातार एक संगठन के साथ जुड़ते रहे ताकि वो सुरक्षित रहे और उनमें किसान नहीं है, उनमें मजदूर नहीं है, उनमें आम जनता नहीं है, उनमें जो है अलग टाइप के लोग हैं, उनके वो अलग टाइप होने का मतलब आप भी समझते हो और मैं भी समझता हूँ, तो वो उनका अलग टाइप रहने दो, हम तो देश की जनता के साथ। हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके जो कि बिल्कुल मुफ्त है।